हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अक्षरा आर्या। अभिनेत्री खोज रहे करण जौहर ने फेंका नया दांव। साउथ की इस सुपरस्टार पर उन्होंने लगाई बाजी। करण जौहर को कौन नहीं जानता है, बॉलीवुड के जाने माने निर्माता और निर्देशक हैं, जिन्होंने साल 1995 में आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म DDLJ से बतौर असिस्टेंट निर्देशक बॉलीवुड में कदम रखा था। और कुछ कुछ होता है फिल्म से उन्होंने अपने निर्देशन की शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्होंने कभी खुशी कभी गम और कभी अलविदा न कहना जैसी सुपरहिट फिल्में की, जिसके बाद उन्हें मीडिया मुगल कहा जाने लगा। 2012 में आई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की मुख्य अभिनेत्री आलिया भट्ट को सुपरस्टार बनाने वाले करण जौहर अब इन दिनों एक नई अभिनेत्री की तलाश कर रहे हैं। कहने को तो वह फिल्म बुलबुल की हीरोइन तृप्ति डिमरी और अभिनेता संजय कपूर की बेटी शनाया को अपनी कंपनी धर्मा एंटरटेनमेंट के लिए साइन कर चुके हैं, लेकिन उनके कैंप में साउथ की एक सुपरस्टार की लेटेस्ट एंट्री होने को है। उनके कैंप की बाकी हीरोइनों के होश उड़े हुए हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया को लॉन्च करने के बाद करण जौहर ने गिप्पी फिल्म की अभिनेत्री रिया विज को और उंगली फिल्म के लिए कंगना पर बाजी लगाई थी। लेकिन जितनी फिल्में उन्होंने आलिया भट्ट को लेकर बनाई है, जैसे टू स्टेट्स, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, शानदार, कपूर एंड सन्स, डियर जिंदगी, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, राजी, करण जौहर ने हाल ही में एक नए चेहरे को लेकर अपनी फिल्म वेब सीरीज और डिजिटल उत्पादों में लॉन्च करने की एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। धर्मा एंटरटेनमेंट एजेंसी बनाकर वह तृप्ति डिमरी, गुरफतेह परजीदा, धैर्य कड़वा, लक्ष्य और शनाया कपूर को अपने साथ शामिल भी कर चुके हैं। शनाया की पहली फिल्म इसी साल जुलाई में शुरू होने जा रही है, लेकिन करण जौहर को एक और दमदार चेहरे की तलाश है। खबरें आ रही हैं कि करण साउथ की सुपरस्टार बन चुकी अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को भी DCA और आर्टिस्ट बना लिया है। तमन्ना ने हिंदी फिल्म से ही अपने करियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म चांद सा रोशन चेहरा साल 2005 में रिलीज हुई थी। अब ये देखना यह होगा कि इस नए चेहरे की तलाश, करण जौहर की नए चेहरे की तलाश कब पूरी होती है। ऐसे ही चटपटी और मनोरंजक खबरों के लिए जुड़े रहिए। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज।